आयु सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जीत घोसी की जनता की जीत है। 20 सालों से हमारे घोसी की जनता जी अपने सांसद देख नहीं पा रही थी। ये जीत मेरे पार्टी के उन तमाम बूथ लेवल से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की भी जीत है जिन्होंने जी तोड़ मेहनत किया। मैं हमेशा कहता था कि जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को छोटा समझे बड़ा नेता कभी बन नहीं सकता। मेरे कार्यकर्ताओं ने आज जो सम्मान दिया है उसका आभारी रहूँगा। घोसी के बुजुर्गों माँ बहनों नौजवान साथियों का मैं आभारी रहूँगा और पुनः वचन देता हूँ कि नेता नहीं भाई और बेटा बनकर के उनकी सेवा करता हूँ। घोसी की जनता प्राथमिकता क्या रहेगी अब आपके लिए? जो बातें मैंने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान, मैं इमोशनल इंसान हूँ, वो बातें दिल से कहा था वही बातें मेरे को। घोसी की जनता ओम प्रकाश यादव से डरी नहीं? घोसी की जनता ओम प्रकाश यादव से डरी नहीं जिस तरह उन्होंने धमकाया था? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और कोई ये भ्रम रखे जो मालिक है तो जनता जवाब देती है। आप लगातार ये बात कहते रहे कि आपको चुनाव जनता लड़ रही है, इस बड़ी जनता जो मैं कहता रहा उसको यहाँ के घोसी की जनता ने साबित वोटों से आप जीते हैं। मोदी की सत्ता की कुर्सी हिला दी है, पूर्वांचल ने मोदी की सत्ता की कुर्सी हिला दी है। ये तो पहले से पता था, एक्सपायरी डेट के साथ होता है, झूठ और जुमला बहुत देर तक नहीं चलता है। ये जीत अहंकार और संस्कार की जीत है। ये जीत अहंकारियों के काल में तमाचा भी है। सत्ता विनम्रता लाती है, पद विनम्रता लाती है।